प्रबल इच्छा है कि लोग प्रसन्न रहे। मेरे विचार से हम दुनिया की सबसे बदतर अवस्था में होते हैं जब हम प्रतिदिन उठकर वही के वही काम करते रहते हैं। क्या ये जीने का घटिया तरीका नहीं? पर वो हमारी परिस्थितियों की कोई चीज नहीं जो हमें प्रसन्न करेगी। वो कुछ देर के लिए हमें गुदगुदाएगी पर उससे हमें प्रसन्न रखने की बिल्कुल योग्यता नहीं होती, इसलिए उसे भूल ही जाइए। 2 शमूएल 11 की ओर चलें। हम वचन 1 से आरंभ करेंगे। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने युआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों के देश को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वो उस समस्या का आरंभ था जिसमें वो आखिरकार फंस गया, जिसने असल में उत्पन्न की कुछ समस्याएं उसकी परिस्थितियों में उसके बाकी के सारे जीवन में। जब राजा लोग युद्ध के लिए गए, उसने पलंग पर पड़े रहने का फैसला किया। क्या मैं 1 मिनट रुककर आपको बता सकती हूं कि लोगों को समस्याओं में पड़ने का एक कारण होता है वही काम करते रहते हैं जो वो करना चाहते हैं। यदि आप आक्रामकता से सही काम नहीं करेंगे तब आपका गलत काम करने की ओर झुकाव ज्यादा होगा। आलस्य सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। निष्क्रियता शैतान की तरफ से होती है। परमेश्वर हमें सक्रिय, कर्मठ, उत्साही, उमंगी और जोशीले बनने को कहते हैं। मैं बिल्कुल वैसा अनुभव नहीं करता। बाइबल में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा से उत्साह प्राप्त करना है, जैसे राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे। हमें प्रतिदिन उठकर युद्ध के लिए जाना चाहिए क्योंकि हमें अति महान परमेश्वर के राजा और याजक हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक राजा है और एक युद्ध चल रहा है। आपको आवश्यकता है उठने की और आपको अपने दैत्यों को हराने की आवश्यकता है। दाऊद को असल में मुकुट पहनने के 20 वर्ष पहले राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। उन कामों में से एक जो उसे करना पड़ा वो था ये सीखना कि दैत्यों को कैसे मारें। आप शायद अपने जीवन पर बुलावा महसूस करें, आप शायद महसूस करें कि परमेश्वर आप में कुछ महान करना चाहते हैं, पर आपको सीखना होगा कि कैसे उठना है, पवित्र आत्मा से उत्साह प्राप्त करना है, निष्क्रिय आलसी आत्मा से मुक्त होना है। और जब आपको अपनी भावनाएं डूबती हुई महसूस हो, आपको दृढ़ता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और आपको आराम से शैतान का विरोध करने और ये कहने की आवश्यकता है, नहीं, मैं फिर से वो नहीं करूंगा, मुझे अपने जीवन में बेहतर काम करने हैं सिवाय बैठे रहकर केवल इसलिए अपने पर रहम करके क्योंकि मेरे जीवन में कुछ कष्ट है। जी हाँ, मैं यही रुकने की कोशिश कर रही हूं पर यह काम नहीं कर रहा। तो जब दाऊद पलंग पर आराम कर रहा था और खिड़की में से देख रहा था, वचन 2, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, वाह, मैं पक्का नहीं जानती वो पलंग पर था। यह आंतरिक ज्ञान था। राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर ऐसे उसको एक स्त्री को अति सुंदर थी नहाती हुई देखनी पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री से पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवाया। शक्ति का वैसा दुरुपयोग है, जानते हो राजा लोग कैसे मुश्किल में पड़ते थे शक्ति का दुरुपयोग करके। वो जो भी चाहता था सो कर सकता था, उसे वो चाहिए भी था जो उसे चाहिए। आपको बहुत सावधान रहना होगा यदि आप कभी किसी उच्च पदवी पर होंगे कि आप उसका इस्तेमाल कैसे दुर्व्यवहार के लिए ना करें। तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वो तो रोज से शुद्ध हो गई थी। तब वो अपने घर लौट गई और वो स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। दाऊद के सामने एक समस्या आई। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब
योआब ने अरिया को भेजा। मैं आपको ये सारा अध्याय पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, पर यह कहानी कुछ इस प्रकार है। दाऊद ने उरिया को उसका सम्मान करने के बहाने इस आशा में बुलाया कि वो जाकर अपनी पत्नी के साथ सोएगा, वो सोचते हुए कि यदि वो अपनी पत्नी के साथ सोएगा फिर जब ये प्रकट होगा कि वो गर्भवती है, किसी को संदेह नहीं होगा कि बच्चा उसके पति का नहीं है। यदि उसका पति रणभूमि में ही होता तब वो उसका बच्चा नहीं हो सकता था, और तब यदि कोई उसे पूछता तो उसे दाऊद के बारे में सत्य बताना पड़ता। क्या आप जानते हैं, अरिया परमेश्वर का महान बंदा था। उसे याद से अपने बारे में भाई जो रणभूमि में थे, और उसने कहा मुझे घर आने की प्रसन्नता है, पर मैं आज घर जाकर अपनी पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा, मैं आज इसलिए उसने कुछ और करने की सोची। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं और बातें छिपाने लगते हैं, तब आपको एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, तीसरे को छिपाने के लिए चौथा झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने के बारे में खतरनाक बात यह है कि कई बार हम उसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि हम नहीं जानते। देखिए, केवल इसलिए कि हम किसी बात को उचित सिद्ध करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने दिल में यह नहीं जानते कि वो गलत है। मुझे महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझे आपको यह बताने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए दया तैयार की है। आपको अपने पास छिपाने की जरूरत नहीं है किसी भी पाप को। परमेश्वर पहले से वो जानते हैं जो आपने किए हुए हैं। हम परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते। परमेश्वर पहले से जानते थे कि दाऊद क्या कर रहा था, पर दाऊद वास्तव में लंबे समय अर्थात एक वर्ष तक उसे छिपाने की कोशिश करता रहा, और आप देखेंगे कि उसके कारण उसकी क्या अवस्था हुई। उसने जिस पल पाप स्वीकार किया, परमेश्वर ने उस पर दया की। परमेश्वर की दया सचमुच इतनी विस्मयकारी और प्रशंसनीय है कि उसे समझना कठिन है। जब हम इस राजा को देखते हैं जो सचमुच शक्तिशाली था, उसके पास दौलत थी, अधिकार था, परमेश्वर ने सब नौजवानों को छोड़ उसे सम्मान दिया, पर उसके बाद उसने जाकर वो किया जो पाप था। कल्पना भी नहीं कर सकती उसे कितना बुरा महसूस करना था। फिर भी जब उसने परमेश्वर के सामने सच कहा, जब उसने अपने पाप को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। आज यहां कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत होगी। मेरे विचार से आपको परमेश्वर के सामने कुछ बातें स्वीकार करने की आवश्यकता है, और यदि आपको आवश्यकता है तो आप यहां एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यह आवश्यकता अनुसार अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष। पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें दबाना नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि मैंने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया, और मान लेते हैं मैंने उन्हें कुछ चुभती हुई बातें कही हैं, और मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई हो। आप जानते हैं हम कितनी शीघ्रता से बहाना बना लेते हैं, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, मुझे अच्छा अनुभव नहीं होता, और यहां सभी काम करके मेरी कोई जान पहचान का लग रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सामना अपने द्वारा किए पाप से होता है, पर तब हमने उसे सजा दिया होता है। फिर वो यहां नीचे होता है, और वहां नीचे वो क्या कर रहा होता है, हमने उसे छुटकारा नहीं पाया होता। इसलिए हमें अपनी हताशा की दवा की मात्रा बढ़ानी होती है। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है डॉक्टर मैं ये नहीं जानता मुझे क्या हुआ है डॉक्टर मैं ये नहीं कह रही कि हताशा का कारण हमेशा आपका पाप होता है। मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, उसके कई अलग अलग कारण होते हैं, पर हम इस कारण का अनदेखा नहीं कर सकते। मेरा मतलब, मैं आपको अपने लिए ये बता रही हूं, मैं जानती हूं कि मैं अपने अंदर बहुत बोझिलता महसूस करती हूं, और जानते हो मुझे ये बात भयभीत करती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं, मुझ में कुछ गलत करने की काबिलियत है। फिर 2-3 बहाने बनाकर उसे जल्दी से छिपाकर अपना रोजमर्रा जीवन जीने की, तब मुझे अपने अंदर बहुत घटिया महसूस होता है, जिसके लिए मैं बहुत सी चीजों को दोष देती हूं। इसका कारण एलर्जी था, इसका कारण मौसम था, आप जानते शायद सीजन भी हो सकता है, हम नहीं जानते क्या है। उसका कारण केवल यह है कि हमने परमेश्वर के सामने इकरार नहीं किया। कितने सोचते हैं कि शुरुआत पश्चाताप करके करना अच्छा होता है। धन्यजन के मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ध्यान दीजिए, जब आपको पता होता है कि आपने सही सलूक नहीं किया, तब उस व्यक्ति के पास जाएं जिसके साथ बुरा सलूक किया था और इकरार करें।
उसे स्वीकार करें, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें ताकि आप स्वस्थ हों और आपके मन और दिल का आत्मिक स्वभाव बहाल हो सके। हम बातों को दबाकर बहाल नहीं होते, हम बहाल होते हैं जिम्मेदारी लेकर और ये कहकर मैं कुछ करूं, मैं गलत था, मुझे क्षमा करें परमेश्वर, मैं गलत था, मुझे क्षमा करें। आपको तुरंत दया मिलती है। मैंने देखा है कि कई अड़ियल लोग भी ऐसे लोग जो शायद मसीह नहीं थे, यदि वे इकरार करते हैं और उनका रुख बढ़िया होता है तब लगभग हर कोई आपको क्षमा कर सकता है। मैं बतलाती हूं, लोग हमें क्षमा नहीं करना चाहते जब तक मूर्खों सा व्यवहार करते और अपने द्वारा किए हर पाप के लिए कई तरह के बहाने नहीं बनाते। आमीन। सो दाऊद उसे अगले स्तर पर ले गया और हिरिया को मरवा दिया। उसने सोचा वो अपनी पत्नी के साथ सोएगा तो वो कह सकेगी कि वो उससे गर्भवती हुई है, इसे काम नहीं किया। अब उसे क्या करना चाहिए था? उसने उसे मरवा दिया। उसने बथशेबा को अपने पास बुलाया और वे एक वर्ष तक एक दूसरे के साथ आनंद से रहे। उन्होंने ऐसा सोचा था। अब हम 2 शमूएल 12 देखते हैं। जब तक परमेश्वर ने एक नबी को उसको दोष बताने के लिए नहीं भेजा, मैं बता सकती हूं कि जब परमेश्वर आपको दोष बताते तो क्या होता है। आप में से कितने जानते हैं कि जब वे दोष बताते हैं तो आप उसे छिप नहीं सकते। आपको महसूस होता है जैसे हर संभव पहलू में वे बता रहे हैं। आप गिरजे में वो सुनते हैं, आप उसे रेडियो पर सुनते हैं, आप उस किताब में पढ़ते हैं। वचन 1, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वो उसके पास आकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वे उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वे उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वो उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। आप बात समझ रहे हैं ना। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया वो प्राणदंड के योग्य है और उसको वो भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। उन्होंने उसे कहानी सुनाई। मान लो कि 2 व्यक्ति होते, उनमें से एक अमीर और दूसरा गरीब होता। दाऊद एक धनवान मनुष्य था, उरिया एक गरीब मनुष्य था। दाऊद यदि चाहता तो उसे कोई भी और कितनी भी औरतें मिल जाती। अरिया की एक पत्नी थी, वो उसे प्रेम करता था और उसे बहुमूल्य मानता था। दाऊद जो चाहता था वो पा सकता था, पर उसने जाकर वो लिया जो उस निर्धन के पास था। वो किसी और की कहानी सुनता है जिसके लिए किया होता है। मुझे यह अचंभित करता है कि हम किसी और को वही करने के लिए कठिनता से आंकते हैं जो हम स्वयं कर रहे होते हैं। ये कैसे संभव है? ये केवल और केवल बहानों के कारण संभव है। ये केवल बहानों के कारण ही संभव होता है। हम केवल कारण वैसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले दिखाया था कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं अपनी दूरबीनों और बड़ा दिखाने वाले लेंस से। उफ, पर, उफ, उफ, पर स्वयं को हम अपने गुलाबी रंग के धूप के चश्मे से देखते हैं। क्या आपके पास कभी वैसा चश्मा था जो गुलाबी होता था? मैं बता रही हूं कि उसमें से देखने पर हर चीज दिखती थी गुलाबी गुलाबी। जब हम स्वयं को देखते हैं सब सुहाना दिखता है। हमारे लिए हमेशा कोई बहाना होता है, आपके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। दाऊद ने कहा, उस व्यक्ति का एक भी बहाना नहीं चलेगा। और नातान ने उसे कहा, माफ करना, आप ही वो आदमी हैं। मैं यहां अधिक कहूंगी, मैं पहले से ही इतनी गहराई में हूं कि यदि आपको मुझसे क्रोधित होना होगा तो आप हो सकते हैं।
मैं यहां कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। क्या यह संभव है कि आज आप यहां आए तो अपने घर में किसी से क्रोधित थे, कुछ करने के लिए या किसी तरह का व्यवहार करने के लिए जैसा पिछले एक महीने में किसी समय आपने स्वयं किया था? वाह, सभी ईमानदारी से पीछे बैठे हैं। मैं वहां पीछे जाकर पहरा दूंगी। सामने बैठे लोगों को दूसरों से पवित्र होने का दिखावा करना पड़ता है। ये सत्य है, मैंने स्वयं भी ऐसा किया है। आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे। मैं आपसे सत्य कह रही हूं कि मैं बात करती हूं सचमुच कठोरता और ईमानदारी से कि ये सत्य है। मैं जानती हूं। देखिए, कई बार मैं भी अशिष्ट हो जाती हूं। आपको पता चलता है कि आपका एक मित्र आपके राज बता रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे धोखा दिया। वैसे आपने पिछली बार कब किसी का भेद बताया था? हाँ, पर मैं निरर्थक बातें नहीं कर रहा था। मैं केवल वो बता रहा था जो प्रार्थना करें। यह पाप को एक दूसरे ही स्तर पर ले जाना। अब हम उसे आत्मिक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज प्रचार बढ़िया हो रहा है। तू ही वो मनुष्य है, नाथान ने कहा। तू ही वो मनुष्य है। एक मिनट के लिए भजनों की ओर चलें। मुझे ये एक दो भजन पढ़ने हैं। मेरा समय लगभग पूरा हो गया है और आपको ये दिखाना चाहती हूँ। भजन 32। क्या ही धन्य प्रसन्न भाग्यशाली ईर्ष्या के योग्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य प्रसन्न भाग्यशाली ईर्ष्या के योग्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा इकरार करने से पहले, तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात दिन मैं तेरे नाराजगी के हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरहिट बनती गई सेला। रुको और शांति से इसके बारे में सोचो। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, लगातार मानता रहूंगा जब तक सब बता न दूं। अब ध्यान दीजिए, तब तूने तुरंत क्षमा कर दिया। तूने मुझे तुरंत क्षमा कर दिया। तूने मुझसे मिट्टी में नाक नहीं रगड़वाई, मुझे गिड़गिड़ाने नहीं दिया। तूने मुझे बाहरी दरबार में नहीं रखा। तूने तुरंत क्षमा कर दिया, मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया। सलाह, रुको और शांति से इसके बारे में सोचो। इस क्षमा के कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल कष्टों की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के आत्मा के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू प्रकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन 51 देखते हैं। मैं ये सोचती हूं कि किसी का जो टीवी द्वारा देख रहा है या यहां मौजूद किसी व्यक्ति का दिन सही बेहतर हो सकता है यदि वह कुछ भी छिपाए बिना अपने सभी पापों का इकरार करेगा और दूसरों पर दोष लगाना बंद करेगा। क्या आप जानते हैं, इस सप्ताह मेरा एक दिन सचमुच घटिया था। शैतान मुझे बिल्कुल उसी चीज में घसीट रहा था जिससे बचने की मैं कोशिश कर रही थी। ऐसा अक्सर होता रहता है जब मैं सारी दुनिया के लोगों के सामने प्रचार करती हूं। उसके बाद मुझे कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। मैं नहीं जानती मैं अभी कितनी मंद हूं। मैं सोचती हूं मैं किस तरह महसूस कर रही हूं। मैं किस तरह महसूस कर रही हूं।
बुद्धू, मैं आज दुनिया के आगे हताशा पर प्रचार करने वाली हूँ। कितने जानते हैं कि वे सचमुच मूर्ख लगते हैं जब ऐसा कुछ करते हैं। कोई मेरा मूल्य नहीं जानता। मलिया की तरह हूं जो रेगिस्तान में बैठा था। परमेश्वर, केवल मैं ही बचाऊं। सचमुच मेरी परवाह है। परमेश्वर, ये लिया नहीं। परमेश्वर, यदि सब इसी तरह रहने वाले हैं, ये लिया मुझे स्थान में गया जो सबसे सुनसान स्थान था। जी हाँ, सूखी रेत की ओर जाओ। और यूं ना वो जाकर किसी पशिया बेल के नीचे बैठ गया। मैं नहीं जानती वो किसी प्रकार का पट्टू या कद्दू था। वो वहां बैठा और उसकी समस्या ये थी कि वो परमेश्वर से भाग रहा था। फिर वो कूद गया। एक कर में एक मछली ने उसे निगल लिया। उसने बहुत समय लगाया। ओ हाँ, कुछ घटिया स्थानों तक ले जाता है। मैं बाथरूम में जाकर फर्श पर बैठती थी। सच कहने बहुत दयनीय स्थान थी। जब अब दयनीय में आपको दयनीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने कि यदि हम अपना सर टॉयलेट पर रखते हैं वो सचमुच प्रभावशाली होता है। ठीक है, क्या यहां मेरे संबंधी बैठे हैं? कर रही हूं कि इस सप्ताह घटिया था। मैं इसका कारण कुछ ऐसे काम किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, पर मैं मुक्त नहीं हूं। या मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं उस तरह की भावनाओं से नहीं हुई जब तक मैंने इकरार नहीं किया कि उन्होंने जो भी किया था मेरा क्षण गलत था। मुक्त नहीं होते जब तक आप दूसरों पर दोष लगाना बंद करें, ये इकरार नहीं करें व्यवहार गलत था। मैं इसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूं। बंद फिर से समाप्त करूंगी। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे भली भांति, और बार बार धोकर मेरा अधर्म और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं जानता हूं और मेरा पाप निरंतर में रहता है। आप पाप से बच नहीं सकते जब तक आप इकरार न करें मैंने केवल विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा किया है, ताकि तुम न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, और मैं ये वचन 6 बहुत प्यारा है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे में ज्ञान सिखाएगा। आपको याद आरंभ किया तब हमने इस बार में भीतरी जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद वे कहते हैं जूफा मुझे धो और हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां लिए वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पर फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे ये प्यारा है परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। अच्छा, 2-4 वचन सुनिए। निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। 12 प्यारा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष में। हमें हर समय हताशा और निराशा में जीवन नहीं बिताना है, और अब हमें सम्मान दिलाने वाले हैं। चलिए होते हैं। आपने चाहे गलती की हो, पर आप शर्मिंदा हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो वे करेंगे। परमेश्वर न केवल हमारे माफ करते हैं बल्कि वे हमारे पाप उन्हें दूर करते हैं जितना कि पूर्व से पश्चिम है। उन्हें याद नहीं करते, ये चकित करने वाला सुसमाचार है। जॉय स्मार मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।